दोस्तों कैसे हैं आप। बड़ी दिक्कत हो रही है कुछ लोगों को, जानते हैं क्यों हो रही है। वो कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता जो है उन्हें राष्ट्रवाद से कोई मतलब नहीं, उन्हें देश से कोई लेना देना नहीं, उन्हें तो मुफ्त की बिजली चाहिए, मुफ्त का पानी चाहिए, भाई उनको शिक्षा भी चाहिए। और देखिए चुनाव आए चुनाव गए और भाजपा हार गई। अब भाजपाई भक्त मुझे भक्ति रानी मिली थी, जी हाँ भक्ति रानी मिली थी मुझे, कमला रानी भी मिली थी मुझे, कई कई प्रकार के कई लोग भी मिले थे जिनको बड़ी दिक्कत है भैया। वो कह रहे हैं कि अब भारत जो है वो सीरिया हो जाएगा। क्यों हो जाएगा सीरिया? हमारे इतने सक्षम प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं ना प्रधानमंत्री की कुर्सी पे, वो देश को बचा के रखेंगे। और हम सब भी तो हैं, हमारी सेना नहीं है। और सीरिया का मतलब होता है सिविल वॉर। सिविल वॉर, सिविल वॉर काहे को होएगा भाई? ऐसी उटपटांग की बातें क्यों लिख रहे फेसबुक पे हैं? कुछ नहीं होगा, हमारा देश बहुत सशक्त मजबूत है और देश में हमारे एक बहुत ही मजबूत प्रधानमंत्री हैं। तो सीरिया क्यों बन जाएगा? कुछ भी बोल रहे भक्त। भक्तगण इतने नाराज़ हो रखे हैं कि दिल्ली में भाजपा गई है हार, और अब बता रहे हैं ये लोगों को क्या, मुफ्त खोर बता रहे हैं कि वहाँ के लोगों को तो मुफ्त चीज़ें चाहिए, वे आलसी हो जाएंगे, वो ये हो जाएंगे। अरे भैया, तो आपके मनोज तिवारी जी ने क्या कहा था? उन्होंने भी ये कहा था, उनने भी ये कहा था भैया कि अगर हम सरकार में आएंगे तो हम तुम्हें 5 गुना ज़्यादा देंगे। भाई 5 गुना ज़्यादा का मतलब है 5 गुना ज़्यादा आलसी भी तो बनाएंगे। और उन्होंने ये भी कहा था कि जो प्रोग्राम जो स्कीम्स जो आपकी सरकार पिछली सरकार अरविंद केजरीवाल अरविंद कमल केजरीवाल की सरकार जो चला रही है वो उन सबको कंटिन्यू करेगी। तब नहीं समझ में आया आपको? तब नहीं थे हैं, अब हो गए ये मुफ्तखोर? शर्म नहीं आती भक्ति रानी? शर्म नहीं आती कमल प्रसाद? आप ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं हैं? और बताऊं, जब इनको 7 सांसद सारे सांसद दिए मोदी जी को दिल्ली की जनता ने, तब नहीं थे मुफ्तखोर? तब नहीं थे ये राष्ट्रवाद से नहीं संबंध रखने वाले? तब ये बहुत अच्छे थे क्योंकि तब दिल्ली ने इनको दिए थे 7 सांसद। और अब क्या हो गया भैया, आप इनसे इतने नाराज क्यों हो रहे हो? पता है बहुत ही कुछ जल रहा है ना? जल नहीं रहा, सड़ रहा है, जल के भुन रहा है। बहुत ही गंदी बदबू आ रही है, इतना मत जलिए, ये देश हमारा है, इसको ऐसी बददुआएं मत दीजिए। वैसे आपकी बददुआएं काम नहीं आएगी, हमारा देश मजबूत है और यहाँ के लोग मजबूत है और प्रधानमंत्री जी तो आपके भी हैं, मेरे तो हैं ही और मजबूत हैं। तो यहाँ सिविल वॉर काहे को करा रहे भैया? नाराज हो, दुखी हो, परेशान हो, पर कुछ तो मान रखो अपने मजबूत प्रधानमंत्री जी का, वे सब कुछ संभाल लेंगे। भक्तों जले हो बुझ जाओगे, मत करो, ऐसा नहीं कहते। ये वही दिल्ली की जनता है जिन्होंने तुम्हें प्यार दिया था, 1 साल से भी कम हुआ है, और अब तुम उन पर ऐसे भड़बड़ा रहे हो, अपनी बौखलाहट खुल के क्यों दिखा रहे हो? और इसे कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, तो खंबा इतना मत नोचो। बिजली फ्री में है, इसका मतलब ये नहीं है कि सारे के सारे तुम बिजली के खंबे नीचे उखाड़ दो। अरे मुफ्त का पानी आप लोग नहीं पीते क्या? अरे वोट कहीं पे भी दो, सरकार तो पानी आपको भी देती है, इसलिए इतने जलो मत, भूनो मत। कुछ ज़्यादा ही जल रहा है, कुछ ज़रा संभाल लो, पानी डालो, फायर ब्रिगेड को बुलाना होगा भाई, आप लोग भी बुला लो फायर ब्रिगेड को, जल ना जाए सब कुछ। भक्तों थोड़ा सा प्यार से।